खबर है जहां डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। सितंबर महीने की बात करें तो डेंगू के मरीज बढ़ते हुए अब 14 सितंबर तक मामले 400 हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग नगर निगम में किसी प्रकार का तालमेल है ही नहीं, ऐसा नजर आ रहा है। डेंगू से निपटने के लिए कोई ठोस रणनीति नहीं है। शुक्रवार को डेंगू के 29 मरीज सामने आए थे। पॉजिटिव डेंगू मरीजों में 16 बच्चे भी शामिल हैं। शहर के कई वार्ड डेंगू के हॉटस्पॉट बन चुके हैं और जो लगातार आंकड़े सामने आ रहे हैं इसमें बच्चों की संख्या बहुत हैरान कर देने वाली, बहुत चौंका देने वाली है, क्योंकि बच्चों की संख्या इन मरीजों में ज्यादा है। तो बच्चे इसकी जद में आ रहे हैं। 400 मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। शुक्रवार का आंकड़ा जिसमें 29 मरीज सामने आए, इसमें 16 बच्चे शामिल हैं। सीधे ग्वालियर का रुख करते संतोष हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। संतोष, ये आंकड़े बहुत हैरान कर देने वाले, बच्चे लगातार इस जद की चपेट में आ रहे हैं। अभी जो हमारे पास आरोप ये लग रहे हैं कि कोई तालमेल नहीं है निगम प्रशासन का किसी प्रकार से स्वास्थ्य विभाग से, क्यों नहीं है तालमेल? क्या वहां पर किसी प्रकार की मतलब कमी किस बात की नजर आ रही है? देखिए विवेक, सबसे पहले तो मैं बता दूं, बीते 3 दिनों से लगातार ग्वालियर चंबल संभाग में बारिश हो रही थी और बारिश का दौर अब थम चुका है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी परेशानी जो अब उत्पन्न होने वाली वो परेशानी है डेंगू को लेकर, क्योंकि डेंगू लगातार देखा जाए तो ग्वालियर में पहले से ही ताकतवर बना हुआ है। और सितंबर का महीना जब स्टार्ट हुआ था उस दौरान ही लगातार हर दिन एक दर्जन दो दर्जन ऐसे मरीज निकलकर डेंगू के सामने आ रहे थे। वो कहीं ना कहीं नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग और मलेरिया विभाग जो तालमेल होना चाहिए उसकी कमी को उजागर कर रहा था। बात की जाए तो ग्वालियर में अधिकांश हर साल 4 से 6 वार्ड ऐसे हैं, यानी कि ग्वालियर शहर में 66 वार्ड है, 66 वार्ड में से 4-5 वार्ड ऐसे हैं जो हमेशा हर साल डेंगू के हॉटस्पॉट रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी नगर निगम, स्वास्थ्य महकमा, किसी भी प्रकार की उनकी कोई प्लानिंग नहीं है, जिसके चलते हर साल सितंबर और अगस्त के माह में डेंगू के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा होता है। कई की हालत गंभीर हो जाती है, उन्हें दिल्ली रेफर करना पड़ता है। हमारे पास जो आंकड़े आए हैं, जो 400 के आसपास अब जो डेंगू पीड़ित मरीजों की संख्या हो गई है, वो आंकड़े सिर्फ सरकारी अस्पताल के, अगर इनमें अगर प्राइवेट अस्पताल के आंकड़े जोड़े जाएं तो संख्या कहीं ज्यादा हो सकती है, यानी कि तस्वीरें काफी खतरनाक हो सकती हैं। लेकिन इस पूरे मामले में देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम पूरी तरह से इन आंकड़ों को छुपाने में जुटा हुआ है। लेकिन आंकड़े इसलिए उजागर हो रहे हैं क्योंकि प्रतिदिन सरकारी अस्पताल में जब मरीज पहुंच रहे हैं और संदिग्ध मरीजों की जो सैंपल लिए जा रहे हैं उनकी रिपोर्ट जो आ रही है, क्योंकि जीआरएमसी की लैब से रिपोर्ट आ रही है, उसके बाद डेंगू के मरीजों की पुष्टि हो रही है, तो इससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि इन जो महत्वपूर्ण विभाग है जो डेंगू को रोकने के लिए जिम्मेदार अफसर है उनके बीच कोई तालमेल नहीं है। और तालमेल सिर्फ कहां तक सीमित है वो भी आपको बताने की कोशिश करता हूं। विवेक, शहर की जो पॉश कॉलोनियां हैं या अफसरों के जो बंगले हैं उन्हीं के वहां छिड़काव किया जा रहा है, सर्वे किया जा रहा है और जो फॉगिंग है फॉगिंग की जा रही है। लेकिन जो डेंगू के हॉटस्पॉट केंद्र हैं उन इलाकों में फॉगिंग अभी तक देखने को नहीं मिली है। शिकायत तो संतोष, ये तो बहुत बड़ी लापरवाही का विषय है। अगर ये जो सिद्धस्थ अधिकारी हैं या अगर ये समझते हैं कि पॉश कॉलोनीज और जो वीवीआईपी एरिया है वहीं से डेंगू को समाप्त कर दिया जाए, तो फिर वो मशीनें तो आप अपने लिए ही आवंटित करवा लीजिए। मत कहिए कि यहाँ पर जनसाधारण का हक बना हुआ है, ये जनसाधारण के टैक्स से खरीदी जा रही है। जाहिर सी बात है जो इसके जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इस बात को तो बखूबी जानते हैं कि इसका पेमेंट जनता ने अपने पैसे से किया है, ये किसी अधिकारी के निजी पैसे से खरीदी गई जमीनें, माफ कीजिए, मशीनें तो है नहीं। बिल्कुल विवेक, आपका कहना बिल्कुल सही है, इसलिए जो जिम्मेदार अधिकारी और जिम्मेदार विभाग है उन पे आरोप लगना लाजमी है। सबसे बड़ा उदाहरण इस बात का इसलिए है क्योंकि सीएम हेल्पलाइन तक शिकायत की गई है डेंगू के मामले को लेकर। उसके बाद नगर निगम जागा है, नगर निगम ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए, लेकिन आप हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराइए तब जाकर नगर निगम का कोई अधिकारी पहुंचेगा, कर्मचारी पहुंचेगा, उस इलाके में फॉगिंग करेगा। लेकिन जबकि इसके लिए इन डेंगू की रोकथाम के लिए नगर निगम का भी एक स्वास्थ्य विभाग होता है, नगर निगम के पास भी स्वास्थ्य विभाग का एक अमला होता है, लेकिन वो पूरे वर्ष वर्ष वो अमला क्या करता है,
ये बड़ा एक सवाल है, लेकिन यहाँ पे देखने में आ रहा है जिस तरह से मैंने आपको बताया, तीनों ही विभाग में तालमेल नहीं है, जिसकी तालमेल वजह नहीं से है, दो अव्यवस्थाएं यहां मामले तेजी से पर बढ़ रहे हैं। भरपूर जी देखी जा रही हैं। अब प्रशासन किस तरह से सुध लेगा ये हम देखेंगे, खासतौर से जिला कलेक्टर निगम कमिश्नर क्या करते हैं ये हम देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये जरूरी जानकारी हमारे दर्शक